अरे बेटा आ गई, कैसी रही ट्यूशन की क्लासेस? अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं। ओहो बेटा, इतना हबड़ा दबड़ी में कहाँ जा रही हो? पापा मेरे पास आपके इन सब सवालों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल मेरा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और उसके नेक्स्ट डे से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे हो जाएगा बेटा, ठंड रख। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा मम्मी? ये मेरी स्कूल का आखिरी साल है और परसों से एग्जाम स्टार्ट है, और तो और ये 12th के बोर्ड एग्जाम्स है मम्मी। अगर मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई या मेरे मार्क्स कम आए तो स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैं फेल हो गई तो मेरा एक साल पूरा बर्बाद जाएगा मम्मी। मुझे फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा और फिर सारे रिश्तेदारों में, पूरी दुनिया में सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बड़ी नफर हूँ, और ना फिर मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ना ही सुखी परिवार होगा, और ना ही मैं कभी खुश रह पाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है मम्मी, और आप कह रही हैं ठंड रख। हद है मम्मी, हद है। ये क्या था? पता नहीं, पर मुझे सब पता है। ये दिखावा है, दिखावा। मतलब? मतलब, अरे मम्मी पापा, दीदी पढ़ती कम और दिखाती ज्यादा है, और ना आप ही सोचो पॉलिटिकल साइंस का कोई ट्यूशन लगवाता है। एग्जाम्स मेरे भी है, मैंने तो आज तक ट्यूशन नहीं लगवाया, और ना ही मैं घर में पढ़ती हूँ, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो मैं मन से पढ़ती हूँ। हेलो रे रिंकी, रे रिंकी मेरी बात तो सुन। सुन रिंकी, परसों से एग्जाम स्टार्ट है और इस वक्त मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर तुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी पूछना है ना तो मैं। हेलो हेलो, अदिति तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे दिख नहीं रहा मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और तू मुझे भी? मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। तो चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर और बिल्कुल भी आवाज मत करना, ठीक है? दिख नहीं रहा, मैं मम्मी को बुला रही हूँ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। मम्मी! अरे तू चिल्ला क्यों रही है? वहाँ जाके उनसे पूछ लेना। दी, मुझे आपका तो पता नहीं, पर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे इधर उधर जाने से डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? मम्मी! मम्मी! क्या चाहिए तुझे? मेरे को ना पेंसिल चाहिए, मिल नहीं रही है। मम्मी! ये ले! और चुप बैठ। थैंक यू। अदिति बेटा, तुम मुझे बुला क्यों नहीं थी? हाँ मम्मी, कुछ नहीं, हो गया काम। ठीक है, हो गया तेरा? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, स्केल कौन गया? मम्मी! 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 अब क्या हुआ? वो ना, मेरा स्केल नहीं मिल रहा मुझे। हद होती है दीदी, हद होती है। मम्मी, 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 क्या है? मैं वहाँ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और ये अदिति बात बात पे जोर जोर से चिल्ला रही है। तुझे शांति से पढ़ना है ना, तो एक काम कर, यहाँ बैठ के पढ़ ले, मैं गाने सुनते सुनते योगा कर लूंगी, तू चैन से पढ़ लियो। थैंक यू मम्मी।
बढ़ते हो। मम्मी मम्मी क्या है आप क्या कर रहे हो? कपाल भाती। तो आप ये अपना कपाल भूकंप थोड़ा धीरे नहीं कर सकते क्या? भूकंप है बेटा, धीरे मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, फिर मैं जाके रसोई में ही पढ़ लेती हूँ। क्या? कुछ नहीं। हेलो बेटा। हेलो पापा। पापा पापा। हाँ बेटा। आप ये क्या कर रहे हो? बेटा मैं वो दिख नहीं रहा, पापा सब्जियां काट रहे हैं। करेक्ट। पापा पापा। हाँ बेटा। आपका ये कब तक और चलेगा? पता नहीं, लेकिन आपको खाना जल्दी चाहिए या टेस्टी? पापा दीदी का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को तो खाना टेस्टी चाहिए। करेक्ट। बरा पार सुलके टिको सूड गई सुंदरा, सुलके सुलके बरा पार सुलके टिको सूड गई सुंदरा। देखो अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ये हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है, हमेशा कोशिश करती है कि ये मुझे अपना घर दिखाए। अर्जुन जाएंगी पार्टी में। मम्मी। हाँ बच्चे। कल का मेरा पूरा दिन वेस्ट गया है और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, और अब कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे शांति चाहिए। अच्छा चल एक काम कर, इधर आके बैठ। आ यहाँ पे आ बैठ। शाबाश। तू बैठ के आराम से पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है मम्मी, इतना लाड प्यार तो कभी हमने मुझे नहीं करा जितना दीपू कर रही हूँ। इतना लाड प्यार मैं उसे ही दिखाती हूँ जितना मन लगा के पढ़ता है। अब इतने से लाड प्यार के लिए कौन इतनी मेहनत करे। तू क्यों नहीं कुछ पढ़ लेती है? सारा दिन घर बिठा के शिनचैन शिनचैन दिखा लो, चल किताब उठा के पढ़ाई कर। ले तक चाय पी ले, पढ़ाई कर। अरे दिस इज द मीटिंग ऑफ द साइड डायरेक्शन विदाउट देयर गेट गुड केस ऑफ द रिवॉल्यूशन वेयर द चेयरमैन ऑफ द आर्ट एंड द पावर्स ऑफ द एडजस्टमेंट मेजॉरिटी मेजॉरिटी मेंबर्स कैन नॉट बी कंटिन्यू विद द मीटिंग ऑफ दिस डे प्रोड्यूसिंग देयर विल बी देयर अडोरिंग। वाह बेटा ये अभी तक सो रही है, सो जा बेटा सो जा। इन दो दिनों में तूने मुझे बहुत परेशान किया है, पर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तूने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब देखती हूँ कि तू एग्जाम में क्या लिख कर आती है। मम्मी मैं रेडी हो गई। मम्मा मैं भी रेडी हो गई। तू? अरे तू तो अभी सोई पड़ी थी, और इतनी जल्दी तैयार होके तू यहाँ कैसे आ गई? I told you ना भी, मैं आपकी तरह दिखावा नहीं करती, आपका पिंडा मैं करती हूँ। अच्छा मम्मी मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, तो आप माता रानी से प्रे करना कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। बाय बाय। अरे रुको, दही और चीनी तो खा के जाओ, शुभ होता है बेटा ये। जाओ अब मन लगा के एग्जाम करना और अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है? बाय। अरे बच्चों आ गए, कैसा रहा एग्जाम? ठीक था मम्मी, बस मेरा 10 नंबर का पेपर छूट गया। ओ चलो कोई बात नहीं, 100 नंबर में से 10 रह भी गए तो क्या हो गया, बाकी तो अच्छा गया ना। और बेटा तुम्हारा? अरे मम्मी मेरा एग्जाम तो एकदम जहर गया, आपके बेटे पूरे क्लास में नहीं पूरे स्कूल में नहीं पूरे यूनिवर्स में टॉप करेगी। हाय मेरी लाडो, देखा पूरा दिन नहीं पढ़ती थी तब भी कितना अच्छा पेपर करके आई है, और तू
पूरा दिन पढ़ती रहती है फिर भी 10 नंबर का छोड़ आई है। अरे मम्मी आपको कहा था ना ये सब दिखावा है दिखावा। चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। एक बात बता, तू पढ़ने लिखने में तो एकदम नालायक है, बिल्कुल डफर है। हर छोटी छोटी चीजों की स्पेलिंग तो तू मुझसे पूछती रहती है, तो तेरा एग्जाम इतना अच्छा कैसे गया? तू पूरे स्कूल में टॉप कैसे करेगी? बताऊंगी। अच्छी लगी होगी तो अगर सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और ज्यादा ही अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर देना। और हाँ, मुझे आप ये भी कमेंट करके बताना कि जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या आपको भी आपके भाई बहन ऐसे ही परेशान करते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए मुझे आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।